तो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो यार कैसे हो आप लोग? तो यार वी आर फाइनली बैक विद अनदर वीडियो। तो यार आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ प्राइवेट की एंड व्हाट इज़ पब्लिक की। तो यार वीडियो शुरू होने से पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और यार लाजमी से शेयर भी कर देना, ठीक है? तो यार माजरत से यार वीडियो थोड़ी लेट आ रही है। मुझे पता है यार, मैं हर हफ्ते कह रहा होता हूँ कि यार वीडियो थोड़ी लेट आ रही है। तो यार बस कुछ इस तरह से मसले मसाइल हैं जिनकी वजह से बस वीडियो बना नहीं पा रहा, ठीक है? तो अब इंशाल्लाह से यार परमानेंट वीडियोस आया करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा जो है ना बेनिफिट होगा, ठीक है? तो यार आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ पब्लिक की एंड व्हाट इज़ प्राइवेट की। जो वॉलेट की कीज़ होती है ना, उनमें से पब्लिक कौन सी होती है और प्राइवेट कौन सी होती है, और ये दोनों हैं क्या, ठीक है? तो यार सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पब्लिक की के बारे में, ठीक है? अब आपको कोई बंदा पैसे भेज रहा है, ठीक है, क्रिप्टो में ना, कोई भी आपको USDT भेज रहा है या बिटकॉइन भेज रहा है, आप लोग उसको जो की देते हो कि यार तुम इस की के ऊपर भेजो हमें पैसे, वो किसी भी ब्लॉकचेन की हो सकती है, TRC20 की हो सकती है, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन की हो सकती है, ठीक है? वो जो की आप दूसरे को दे रहे होते हो ना, वो की होती है पब्लिक की। वो के मतलब आप किसी को भी दे सकते हो, वो आपको पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है। अब आप लोगों ने उन पैसों को रिसीव कैसे करना होता है, ठीक है, उन पैसों को रिसीव करने के लिए यूज़ होती है आपकी प्राइवेट की। प्राइवेट की वो होती है जो कि सिर्फ आपको पता होती है और आपको ही शो होती है। पब्लिक की वो होती है वो मतलब कोई भी देख सकता है पब्लिक एड्रेसेस में जाके, ठीक है, ऑर्डर बुक में जाके वो आपका एड्रेस कोई भी देख सकता है। लेकिन जो प्राइवेट की होती है वो सिर्फ आपके पास ही होती है और सिर्फ आप उसको एक्सेस कर सकते हो। और ये वाली जो की है ना, वो किसी को भी नहीं देनी होती। अगर आप किसी को भी दोगे तो वो आपका वॉलेट एक्सेस कर लेगा ईजिली। अगर उसने वॉलेट से पैसे निकाल लिए या कुछ भी हैक वैक कर लिया तो आप लोग अपने पेमेंट रिकवर कर नहीं सकते, ठीक है? आपको यार मैं सिंपल ऐसी मिसाल दे देता हूँ, ठीक है? अब जब आप लोग बैंक के ऊपर जो है ना पैसे डिपॉजिट कराने जाते हो, आपका एक अकाउंट नंबर होता है, वो आप किसी को भी दे देते हो, ठीक है? वो आपका एक पब्लिक नंबर होता है। आप मतलब किसी को भी अकाउंट नंबर दे रहे हो कि यार इस अकाउंट में पैसे भेज दो, ये उसका अकाउंट नंबर है। लेकिन जो ATM की पिन होती है ना, वो इस तरह से समझ लें वो एक प्राइवेट की होती है, वो वॉलेट की आपकी प्राइवेट की है। जो ATM की पिन है वो आप किसी को भी नहीं देते, ताकि यार कोई आपके पैसे वगैरह ना निकाल ले। सो सेम एज प्राइवेट और पब्लिक की का यहीं से ना, आपका अकाउंट नंबर आपकी पब्लिक की है, जो आपकी ATM की पिन है वो आपकी प्राइवेट की है, ठीक है? प्राइवेट की किसी को भी नहीं देनी होती, ठीक है? तो यार ये था आज की वीडियो में, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।